दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको CS302 के मिड टर्म के करंट पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगा। और अगर आपको किसी भी हवाले से कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से नीचे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसकी फाइल चाहिए हो तो फाइल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आपको फाइल मिल जाएगी। तो आए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं कि CS302 के मिड टर्म का जो करंट पेपर है 2023 का, वो आपकी स्क्रीन के सामने आपको शो हो रहा होगा। तो ये जो पेपर है आपके काफ़ी हेल्पफुल करेगा पेपर अटेम्प्ट करने में, क्योंकि ये जो है काफ़ी करंटली पेपर है मिड टर्म का जो 2023 चल रहा है इस टाइम, उसका CS302 का करंटली पेपर है। तो आप जो है इसको अच्छी तरह टैली कर लेगा, अच्छी तरह पढ़ लेगा, ताकि आपकी जो आसानी हो जाए पेपर अटेम्प्ट करने में। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में लिखा हुआ है, इसमें कहते हैं द ऑब्जेक्टिव हैंड आउट एंड कॉन्सेप्ट वर द सेम। तो जो ऑब्जेक्टिव है हैंड आउट और कॉन्सेप्ट जो है वो सेम ही है, आप ये अच्छी तरह देख लें। आगे आप हैंड आउट जो है वो अच्छी तरह पढ़ लें, ताकि आपके जो MCQs अच्छी तरह अटेम्प्ट हो जाए। आगे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं बाइनरी नंबर्स वर टू बी मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये करना पड़ेगा कि बाइनरी नंबर्स को जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप जो है इनको ईजीली मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है मैच द लॉजिक गेट सिंबल विद इट्स नेम। ये आप जो है ऐसे ऐसे इसके आंसर वगैरह देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में है के मैप। और लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 में है थ्री वेरिएबल बाइनरी नंबर्स में मैक्सिमम 1 to 1 पुट हैड टू डू। तो आप ये अच्छी तरह एक बार देख लें पूरा पेपर, क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आपको पेपर देने में, क्योंकि ये आप ये पेपर काफ़ी करंटली है। तो आप इससे आराम से जो है पेपर सॉल्व कर लेंगे। ये जो रिसेंटली पेपर्स चल रहे हैं मिड टर्म के, ये उसी के लिए आपके लिए हम लोगों ने फाइल रेडी की है। तो आप जो है इनको अच्छी तरह टैली कर लें, अच्छी तरह पढ़ लें, ताकि आपके जो है अच्छी तरह पेपर अच्छा हो जाए। तो आपको मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ ये सारे फाइल, ताकि आपके जो है जेन में बैठ जाए। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में लिखा है, फिर आगे फर्दर क्वेश्चन है। तो ये इतनी सी फाइल थी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो CS302 के मिड टर्म का करंट पेपर। ये जो पेपर है बिल्कुल रिसेंटली है, तो आप इसको अच्छी तरह देख लेगा। बाकी आपको इसकी फाइल चाहिए हो तो फाइल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आपको फाइल भी मिल जाएगी। और ये आपके काफ़ी हेल्पफुल करेगा पेपर, ये फाइल पेपर अटेम्प्ट करने में। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।